हेलो दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर ब्रिज बनाए गए हैं। कुछ ब्रिज तो साइज में काफी लंबे, ऊंचे और बड़े होते हैं। सिडनी का हार्बर ब्रिज हो या टावर ब्रिज, इन सब की दुनिया में अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके सामने बाकी सारे पुल फीके नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं यह पुल कहां पर बना हुआ है और यह इतना खास क्यों है। आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल यह पुल भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित मेघालय राज्य में है। जानकारी के मुताबिक यह पुल लगभग 200 साल पुराना है। बता दें कि इस पुल को बनाने में बहुत समय लगा था, और ऐसा भी नहीं है कि यह पुल कमजोर बना है। इस पर लगभग 50 लोग आसानी से चल सकते हैं। और रही बात मजबूती की, तो यह सैकड़ों साल पुराना होने के बावजूद भी यह पुल लोहे की तरह मजबूत है। यह पुल कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। इस पुल की सबसे अजीब बात यह है कि पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागों की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। मेघालय में लंबे वक्त से खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो पेड़ों की जड़ों से पुल बनाने के हुनर में महारत हासिल की है। बात कर इस पुल की, तो यूनेस्को ने इस पुल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस तरह के पुल को बनाने में 15 साल का लंबा समय लग जाता है। ऐसा इसलिए कि इसे जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाया जाता है। इस पुल को बनाने में रबड़ के पेड़ों की जड़ों को लपेटा जाता है। इसे आकार में आने में करीब 15 साल लग जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें।